पत्र से, श्री विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। पूरे कार्तिक के में शाम के समय तुलसी के पौधे में घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए, इससे घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी अर्चना से न केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, बल्कि अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा कार्तिक में सुबह उठकर तुलसी दल का सेवन भी बड़ा ही लाभकारी होता है, इससे हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, लिहाजा हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी की पत्ती को चबाया नहीं जाता, उसे पानी के साथ निगलना चाहिए, क्योंकि तुलसी की पत्ती में पारा होता है और इसे चबाने से दांत खराब हो जाते हैं। इसके अलावा कार्तिक मास में दाल का सेवन वर्जित माना गया है। इस दौरान दाल खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में प्रोटीन डाइट लेने से स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ दो चीज़ें बता दूँ, तुलसी के नीचे दीपक क्यों जलाते हैं? तुलसी के नीचे दीपक इसलिए जलाते हैं कि आप जानते हैं कि गर्मी पा के पारा ऊपर जाता है, तो तुलसी में जो पारा है वो मूव करेगा, और जितना पारा मूव करेगा तुलसी का पौधा उतना ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो हिस्सा जितना ज़्यादा काम करता है वो उतना ही मजबूत हो जाता है, यानी तुलसी दल बहुत स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए तुलसी के पेड़ के नीचे अग्नि प्रज्वलन करते हैं, यानी कि दीपक जलाते हैं शाम को। सुबह उठकर तुलसी दल भक्षण करना चाहिए, यानी पानी से निगल लेना चाहिए, न चर भये, चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि पारा दांतों को खराब कर देता है। ये जो ऋतु संधि है, इस समय हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होता है, इसलिए इम्यून सिस्टम को बेटर बनाने के लिए हम तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं, यानी नीचे शाम को दीपक जलाते हैं ताकि उसके अंदर का पारा खूब मूव करे, जितना ज़्यादा पारा मूव करेगा उतना ही वो पौधा मजबूत हो जाएगा, और फिर सुबह सुबह तुलसी दल का हम सेवन करते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद आवश्यक है।